नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको कार्पल टनल सिंड्रोम की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी शारीरिक परेशानी होती है जिसमें हमारे हाथ सुन्न पड़ने लगते हैं और इनमें झनझनाहट और जलन सी महसूस होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर जिसमें आप 15 से 20 मिनट आरामदायक स्थिति पर बैठ सकते हो, उस आसन पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर सीधे कर लेते हैं और इसके बाद आपने अपनी दोनों हथेलियों को अप डाउन करना है। इनहेल करते हुए अपने दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर करते हैं, एक्सहेल करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे नीचे को करना है। इनहेल एक्सहेल, ऐसे ही इसे आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और अपनी कलाई को ऐसे गोल गोल घुमाना है और ऐसे ही विपरीत दिशा में अपनी मुट्ठियों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों पर रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद कंधों के पार्श्व भागों से इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों पर रख लेना है और दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों कलाइयों को ऐसे श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। फिर विपरीत दिशा में इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम करेंगे गोमुखासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं, अपने राइट पैर को लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और लेफ्ट पैर को भी राइट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। आपका एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना ऐसे एक सीध में रहे और जो घुटना आपका ऊपर है उसी हथेली को ऊपर से ऐसे ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास हमारे कंधों में दर्द, हाथों में दर्द, कलाई में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप दोनों साइड से 4 से 5 बाद प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम भुजंग आसन को वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों भुजंग आसन को करने से हमारे हाथों पर भी दबाव पड़ता है और यह कार्पल टनल सिंड्रोम की समस्या को दूर करने का सबसे इजी एक्सरसाइज होती है। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा गैप रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। आपके दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहे। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप 8 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे प्लैंक एक्सरसाइज को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसकी फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं। फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे प्लैंक पोजिशन की पोजिशन पर आना है और सीधे देखना है। इसके बाद आपने अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर इसके बाद हम दोनों घुटनों को जमीन पर रखते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ, दोनों हथेलियों को ऐसे आगे की तरफ ऐसे करना है और फिर इसके बाद आपने ऐसे प्लैंक पोजीशन पर ऐसे आना है।
अपने पूरे शरीर को ऐसे सीधा रखते हैं दोस्तों। इस अभ्यास को करते समय हमारे हाथों पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ रहा है और यह हमारे हाथों में दर्द, कलाई में दर्द, कंधों में दर्द की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। इसके बाद हमने साइड प्लैंक की पोजीशन पर ऐसे आते हैं, अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने राइट हथेली पर ऐसे रखना है और अपने हाथ को भी ऐसे ऊपर को उठाते हुए अपने राइट पैर कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे प्लैंक पोजीशन पर आते हैं। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे जैसे प्लैंक पोजीशन पर आना है, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने लेफ्ट हैंड पर ऐसे रखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने राइट पैर को भी ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। जितना आप कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।